Study with me, a learning experience. Tangent to the circle हमने draw करना है जब हमें center known हो circle का. ऐसी सूरत में दो केसेस हो सकते हैं. पहला केस जबकि पॉइंट P on the circumference of circle हो और दूसरा केस जब पॉइंट P outside the circle हो. केस वन को पहले देख लेते हैं जबकि हमारा सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट P है. हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट O को P से मिला लेते हैं. अब पॉइंट P के ऊपर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो कंपास रख के इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं. अब बारी बारी यहाँ से दो बार कंपास से आर्क लगाएंगे. अब यहाँ से कंपास से दूसरी आर्क लग जाएगी. अब इन दोनों के ऊपर बारी बारी कंपास को रख के बाहर की तरफ एक एक आर्क ड्रॉ करेंगे. ये दोनों आर्क्स जहाँ पे मिल रही हैं इनको पॉइंट पी से मिलाकर एक्सटेंड कर देंगे जो कि हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा क्योंकि ये हमारे रेडियस ओ पी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के. दूसरे केस की तरफ आते हैं जबकि सर्कल के बाहर किसी जगह पे पॉइंट पी है, हमारे केस में ये राइट साइड पे है. अब हम फिर वही करते हैं, ओ और पी को मिला लेते हैं. अब हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए ओ पी लाइन का, तो पॉइंट पी के ऊपर कंपास को रख के दो आर्क्स एक ऊपर और एक नीचे लगा लेते हैं. फिर पॉइंट ओ के ऊपर कंपास को रख के दो आर्क्स लगाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे. ये दोनों जहाँ पे मिल रही हैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा पॉइंट एम आ जाएगा, लाइन ओ पी का सेंटर. इस पॉइंट एम को मरकज मानते हुए हम लोग कंपास रखेंगे और ओ पॉइंट से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि पी तक जाएगा. ये जहाँ पे हमारे मेन सर्कल को कट कर रहा है उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट टी यानी टेंजेंट पॉइंट, और पॉइंट पी से टी को मिलाकर दोनों तरफ एक्सटेंड कर लेंगे और ये है हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट.